नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे रिट प्रथम स्तर के जो प्रमाण पत्र हैं वो आज से मिलेंगे। तो दोस्तों, कब तक मिलेंगे और साथ में क्या ले जाना है, इससे संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, क्या है रिट प्रथम स्तर के प्रमाण पत्र आज से मिलेंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट 2017 के प्रथम स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र गुरुवार से वितरण केंद्रों पर मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिट प्रथम स्तर का परिणाम 11 अप्रैल को जारी किया था। प्रथम स्तर की परीक्षा में 183,556 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से महज 64,824 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। रिट समन्वयक मेघना चौधरी ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट पर दिए लिंक पर अभ्यर्थी अपना नामांकन दर्ज कर अपने प्रमाण पत्र वितरण केंद्र की जानकारी ले सकते हैं। वितरण केंद्रों पर प्रमाण पत्र 26 अप्रैल से 31 मई तक उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी को अपने प्रमाण पत्र अजमेर स्थित रिट कार्यालय से मिल सकेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद आपको अजमेर से लेना पड़ेगा 31 मई के बाद। रिट प्रमाण पत्र लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र एवं स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति साथ ले जानी होगी। अभ्यर्थी के स्वयं वितरण केंद्र पर नहीं आने की स्थिति में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अभ्यर्थी एवं स्वयं का पहचान पत्र भी लाना होगा। यानी स्वयं का भी लाना पड़ेगा और अभ्यर्थी का भी लाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उसको। दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज़ देखने को मिली आज। अब हम इस वीडियो में आपसे विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान दोस्तों।